हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अड्डा 247. आप सभी का स्वागत है अड्डा 247 में. और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू करंट अफेयर्स, दैट इज ऑल द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर. नाउ ऑल द रेगुलर व्यूअर्स मे बी वॉन्डरिंग कि आज कुछ सर कहाँ पे है. सो एज यू नो, अभी कुछ समय पहले होली की छुट्टियाँ पड़ी थी. सो कुछ सर इज़ नॉट हियर टुडे. सो आई विल बी here for today only because he is not there, and once he comes back, so he will be continuing with the show, right? चलिए तो शुरू करते हैं इस awesome से current affairs show को द हिंदू newspaper से. बट उससे पहले please go ahead and share the session with your friends. सभी के साथ इसे share कर दीजिए. अमित, ब्रजेश, रुद्र, so I hope the sound is clear here. और यहाँ पर आपको video clearly दिखाई दे रहा है and we are ready to begin, right? Yes. संजय कुमार, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ. कुछ सर प्रियंका अभी छुट्टी पे है, सो ही विल कम बैक एंड ही विल कैरी अहेड एंड ही विल गो अहेड विद द शो, राइट? चलो, सो लेट अस बिगिन विद द इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस. फॉर टू डेज वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. एक 26th का हम लोग डिस्कस करेंगे और एक 27th का डिस्कस करेंगे. सो टुडे इज 27th ऑफ मार्च 2019, बट फर्स्ट वी विल डिस्कस द 26th करंट अफेयर्स एंड देन वी विल डिस्कस द 27th करंट अफेयर्स. ओके, फाइन. सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट हेडलाइन. आप सभी लोगों ने विजय माल्या के बारे में तो सुना ही होगा. सो देर इज अनादर एयरलाइंस, दैट इज द जेट एयरलाइंस. आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा जेट एयरलाइंस का, सुना है कि नहीं? अब किंगफिशर एयरलाइंस डूब गया, तो आज सुबह जो न्यूज़पेपर में एक और हेडलाइन आया था कि विजय माल्या हैड ट्विटर्ड ट्विटर में कि इफ दिस वुड हैव हैपेंड टू किंगफिशर एयरलाइंस, तो फिर किंगफिशर एयरलाइंस भी नहीं डूबता. अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का सपोर्ट उस वक्त किंगफिशर एयरलाइंस को मिला होता, इन दैट केस इवन किंगफिशर एयरलाइंस वुड ऑल्सो हैव सर्वाइव्ड. बट इज दैट सिंपल? क्या इतना आसान है चीज़ें? Or is there any difference or not? Let us understand. First of all, Goyal steps down from Jet board. So the first point here is Goyal, Naresh Goyal and his wife, Naresh Goyal and his spouse Anita steps down, or you can say resigned as the directors. So after their resignation, first step is they had resigned. Only after their resignation, the exit paves the way for recapitalization of the financially challenged airlines. So once they resigned, only after that the recapitalization process could be started, right? So I hope this first two paragraphs only tells you what is the difference, ki dono mein bahut zyada difference hai. Ab thoda sa history dekh lete hai Jet Airlines ka. See, Naresh Goyal started as a travel agent. He was a former travel agent and he founded Jet Airways in 1933, and after that he had completed the tenure of 25 years with the airlines. लेकिन अभी दिक्कत क्या आ गया है? अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रैश के वजह से. अदरवाइज इससे पहले दे वेर दी पीपल टू ऑफर दी हाइएस्ट सैलरीज, बट अभी फाइनेंशियल क्रैश के वजह से टर्बुलेंस थोड़ा सा हो गया है, या फिर थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया है. सो दैट इज द प्रॉब्लम. ओके, ओके. सो रिपोर्ट्स ऑफ क्रैश फ्लो, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको जूम करके देख सकते हैं. एज यू कैन सी, नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा, नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए, थोड़ा सा जूम करके आप देख सकते हैं. रिपोर्ट्स ऑफ कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, कब से स्टार्ट है आपका ये कैश फ्लो प्रॉब्लम्स? दी स्टार्टेड इन दी month of August 2018 as airlines defers board meet in Q1 results. उसके बाद क्या आया? Rating आया ICRA का. उसके बाद downgrades आया, right? And after that the jet, यहाँ पर आपको ज़्यादा clear हो रहा होगा जितने लोगों को वहाँ पर clear नहीं हो रहा था. And after that what happened? Jet पोस्ट फोर्थ स्ट्रेट क्वार्टरली लॉस इन डिसम्बर 2018. तो लगातार लॉस से सफ़र होने लगे. सो इनिशियली दे ट्राइड कि हम लोग इंटरनली प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले. किस तरीके से? सैलरीज टू सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड पायलट्स रिमेन अनपेड, कि हम लोग सैलरी नहीं पे कर पा रहे हैं. और आपने उससे पहले भी सुना होगा कि पायलट्स की सैलरी को कम कर दिया गया है, राइट? और अब क्या है, अनपेड के सिचुएशन में आ गया था.
एंड फाइनली उनका जो लोन वगैरह था वो सब आपका डीले हो रहा था. 60 एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करना पड़ा था, यानी कि 60 एयरक्राफ्ट एक आपको अभी मैं 520 रूल के बारे में बताऊंगी. तो 60 एयरक्राफ्ट उनको ग्राउंड करना पड़ा था, राइट? सो दैट इज़ अ ह्यूज नंबर. उससे बहुत ज़्यादा लॉस कंपनी को हो सकता है. देन इशू ऑफ 11.4 करोड़ इक्विटी शेयर्स टू लेंडर्स अपॉन कन्वर्जन ऑफ ₹1 ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट. रेजिग्नेशन ऑफ द फाउंडर चेयरमैन. एंड फाइनली अभी जो आपका मुद्दा है वो ये है, ₹1,500 करोड़ बाई वे ऑफ डेट एंड इमीडिएट फंडिंग सपोर्ट का लोन वापस से इनको दिया जा रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिकैपिटलाइजेशन. हावेवर उसके लिए पहले नरेश गोयल एंड हिज स्पाउस अनीता हैड टू रिसाइन, राइट? उसी लाइन पे अगर हम बात करें तो एक है आपका जेट एयरवेज, दूसरा है आपका जो था आपका किंगफिशर एयरलाइंस, जिसका ट्वीट आपका आया था बट स्टिल इन द न्यूज़पेपर, और तीसरा जो आज के न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आया, 27th के न्यूज़पेपर के हेडलाइन में, दैट इज़ अबाउट द शारदा चिट फंड. सो वॉट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हियर? गोयल स्टेप्स डाउन फ्रॉम जेट बोर्ड. नरेश गोयल एंड अनीता, जिनको हम जेट एयरवेज के पावर कपल भी कहते हैं. सो क्योंकि दे एग्जिट, इसके वजह से 1,500 दैट इज़ 1,500 करोड़ का पैसा दोबारा से कंपनी को मिल रहा है, दैट इज़ रिकैपिटलाइजेशन. एंड मिस्टर गोयल आल्सो सीज टू बी चेयरमैन ऑफ द कंपनी एंडिंग हिज 25-year tenure. 25 साल उन्होंने कंपनी को एज अ डायरेक्टर यहाँ पे सपोर्ट किया था एंड नाउ ही हैज़ रिजाइन. सो व्हाट इज़ द इशू, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं. 1974 से मिस्टर गोयल हैज स्टार्टेड द जेट एयरवे. सो इट वॉज स्टार्टेड इन 1974 एंड एज यू नो आई एम प्रिटी मच श्योर 1991 आप सभी लोगों को पता होगा, LPG reforms. What is the LPG reforms? Liberalization, privatization, globalization. LPG reforms, right? So the country's economy and its skies too were opened up in early 1900. कि बाहर से भी कोई आके investment कर सकता है. 2004 में क्या हुआ? Government ने एक rule introduce किया. वो rule क्या है? 520 rule was introduced in 2004. इसका मतलब क्या है? कोई भी अगर इंडियन एयरलाइंस है हु हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 5 years एंड उन्होंने तो 60 एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया था, इधर एटलीस्ट दे हैव टू हैव 20 एयरक्राफ्ट प्लस एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years. इफ दैट इज देयर देन इंडियन शेड्यूल कैरियर्स कैन ऑपरेट इंटरनेशनल रूट्स. सी दिस इज जेट एयरवेज, इंडिगो एयरलाइंस हैज स्टार्टेड इंटरनेशनल जस्ट बिफोर सम टाइम, राइट? एंड दैट टू दे आर नॉट फुल फ्लेजेड, अभी एशियन कंट्रीज को, उसके बाद दे आर गोइंग आउट, राइट? सो बिकॉज दे हैव टू हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस. देन इंडियन स्टैंडर्ड कैरियर्स विथ मिनिमम 5 years ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन एंड 20 aircrafts इन देयर फ्लीट. While relaxed FDI rules, Abu Dhabi-based carrier Etihad Airlines picked up stakes in Jet. तो Jet में क्योंकि foreign direct investment अभी possible है, आप life insurance companies को देख लीजिए, then all the life insurance companies, you will see, for example, fill in the blanks, ICICI Prudential or Max something. Right? So normally you will see two names. The first name is the Indian company and most of the time the second name is the Bahar ka company. So fixed relaxed FDI rules. So Abu Dhabi based jo ek aapka airlines hai, Etihad Airlines, usne kafi zyada jet ka stakeholder wo airlines bhi rahi hai. Until 15-16 jet paid among the highest salaries, spending 67.04 lakhs annually on each of इट्स पायलट्स. यानी सालाना हर एक पायलट का सैलरी कितना होता था? 67.04 लाख्स ईयरली, राइट? तो आप पर मंथ पैकेज पायलट्स का हिसाब कर सकते हो. फेब्रुअरी 2019
विद द मार्केट शेयर ऑफ 10% जेट एयरवेज हैव ड्रॉप टू फोर्थ प्लेस बिहाइंड इंडिगो अभी नंबर वन पे है, फिर स्पाइस जेट, फिर एयर इंडिया और उसके बाद जो है जेट एयरवेज. तो इसी वजह से एक क्राइसिस सिचुएशन यहाँ पे आया है और जिसके वजह से ओनली 41 ऑफ 119 एयरक्राफ्ट इन द फ्लीट हैव बीन ऑपरेशनल. ऐसा क्यों? क्योंकि हमने लास्ट में क्या देखा था, 60 एयरलाइंस को पहले ही ग्राउंड कर दिया गया था, राइट. एंड 17,000 एम्प्लॉयज इज टाइड टू द एयरलाइन सर्वाइवल. तो अगर एयरलाइन सर्वाइव कर गया, अभी अनएम्प्लॉयमेंट का कितना बड़ा एक मुद्दा है आपको पता है, तो अगर एयरलाइन सर्वाइव नहीं कर पाया देन दिस 17,000 एम्प्लॉयज विल बी एट रिस्क, राइट. सो दिस इज द एंटायर इशू. Now let us come to the next news headline, that is regarding the PSLV C-45 project. What is this PSLV project? PSLV ka full form kya hota hai? Koi bata sakta hai yahan pe comment box mein? What is PSLV? It is your Polar Satellite Launch Vehicle, right? Polar Satellite Launch Vehicle. Now see, Polar Satellite Launch Vehicle C-45 project. अब इस प्रोजेक्ट में होगा क्या? फॉर द शेयर नंबर ऑफ फर्स्ट इन इट्स क्रेडिट PSLV C-45 एमिसेट मिशन कब शेड्यूल है? 1 अप्रैल. लिफ्ट ऑफ कहाँ से होगा? इंडिया का जो सेंटर है श्रीहरिकोटा, वहीं से होगा. सो नथिंग न्यू. विल बी अ मेमोरेबल वन फॉर इसरो. क्यों? ऐसा किस लिए? बिकॉज इन दिस एंटायर प्रोसेस वी आर गोइंग टू लॉन्च 28 प्लस वन सेटेलाइट, दैट इज टोटल वी आर गोइंग टू लॉन्च 29 सेटेलाइट इन दिस एंटायर गो, राइट. तो ये बात है यहाँ पे जो आपका जरूरी है. सो यू कैन सी एज मैनी एज 28 स्मॉल फॉरेन को पैसेंजर सेटेलाइट. तो ये सब क्या है? ये सब फॉरेन सेटेलाइट है. एंड वन दैट इज आर्स, वो उसका नाम क्या है? इंडिया का जो सेटेलाइट है दैट इज योर एमिसेट. एमिसेट को इंडिया स्पाई इन द स्काई भी कहा जाता है. इंडियाज स्पाई इन द स्काई, ठीक है. मतलब हम लोग भी अब दूसरे जगहों का निगरानी कर सकते हैं, राइट. तो देखते हैं इससे रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकता है. सबसे पहले PSLV 45 प्रोजेक्ट विल मार्क सेवरल फर्स्ट फॉर इसरोस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग 28 फॉरेन के सेटेलाइट्स और एक हमारा स्पाई इन द स्काई, ताकि हम लोग भी थोड़ा बहुत स्पाई कर ले बाकियों पे. तो इसीलिए स्पाई इन द स्काई एमिसेट को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है. द PSLV 45 एमिसेट मिशन कब का शेड्यूल है? 1 अप्रैल. कहाँ से लिफ्ट ऑफ होगा? श्रीहरिकोटा. तो दिस इज ऑलरेडी समथिंग दैट यू नो. इट इज इसरोस फर्स्ट अटेम्प्ट एट प्लेसिंग पेलोड्स इन 3 डिफरेंट ऑर्बिट्स. मतलब सारे जो आपके सेटेलाइट्स है उसको एक ही ऑर्बिट में छोड़ के नहीं आएंगे, उसको 3 अलग अलग ऑर्बिट्स में छोड़ के आएंगे. द चीफ पेलोड जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा द चीफ पेलोड द 14436 kg एमिसेट, जो कि इंडिया स्पाई है, हमारा सेटेलाइट है, राइट. तो जो चीफ पेलोड है दैट इज एमिसेट, दैट इज 436 kg, ठीक है. ये कहाँ पे हम लोग छोड़ेंगे? दैट इज टू बी इंजेक्टेड इन टू 749 किलोमीटर ऑर्बिट. यहाँ से 749 किलोमीटर ऑर्बिट पे हम उसको छोड़ेंगे. देन एमिसेट द चीफ पेलोड ऑन द PSLV C-45 इज मेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मेजरमेंट. इसका काम क्या है? इसका काम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मेजरमेंट. एज मैनी एज 28 फॉरेन सेटेलाइट प्लस वन दैट इज योर एमिसेट. सो टोटल हाउ मेनी? टोटल 29 सेटेलाइट्स इसके दौरान लॉन्च किया जाएगा. प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस. टोटल कितना है? 29. 28 प्लस 1. वो प्लस 1 कौन है? वो प्लस 1 है एमिसेट, राइट. अब इसमें यूएस के कितने सेटेलाइट्स है? आउट ऑफ दिस 28 सेटेलाइट्स 24 सेटेलाइट्स आर योर यूएस सेटेलाइट. 436 kg सेटेलाइट यानी कि एमिसेट विल सर्व एज द कंट्रीज रोविंग डिवाइस फॉर डिटेक्टिंग एंड गैदरिंग इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस फ्रॉम एनिमी रेडर अक्रॉस द बॉर्डर. यानी कि अगर कोई भी रेडर वगैरह जाएगा तो हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे, हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले पाएंगे. यस, चलो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो द सेम थिंग इज इन हिंदी, आप इसको भी पढ़ सकते हैं.
नेक्स्ट इज राहुल प्रॉमिस टू वाइप आउट पॉवर्टी विथ NYAY. आप सभी लोगों ने सुना होगा गरीबी हटाओ, सुना है ना, अभी गरीबी हटाओ. सो अभी राहुल हैज कम अप विथ दिस गरीबी हटाओ 2.0. लाइक फॉर एग्जाम्पल GS फाउंडेशन बैच, देन वी हैव द GS फाउंडेशन बैच 2.0. सो ही हैज कम अप विथ गरीबी हटाओ 2.0. इट वॉज इनिशियली स्टार्टेड बाई इंदिरा गांधी. दो चीज़ें, एक तो आपका गरीबी हटाओ और दूसरा आपका रोटी कपड़ा और मकान. सो अंदर NYAY द इनकम थ्रेश होल्ड हैज़ बीन फिक्स्ड एट, अच्छा एक और बात है ना, 75,000 एनुअली दिया जाएगा. And it will come to the females account, right? So all these schemes से तो election से पहले तो हर कोई scheme लेके आता है, but election के बाद you know कि किसके account में कितने पैसे actual में आया, right? Has been fixed at 12,000 a month and the Congress have promised that their government will pay the difference. मतलब 12,000 में हमने इसको fix किया है, okay? The income threshold has been fixed at 12,000 a month. तो अगर किसी का इनकम जो है वो मान लीजिए 8,000 रुपये है, तो शायद से 9, 10, 11, 12 4,000 रुपये वी विल बी पेइंग यू. अकॉर्डिंग टू द कांग्रेस लीडर, डेटा ऑन नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेशन दैट इवन पोरेस्ट फैमिलीज अर्न, क्योंकि सबसे गरीब फैमिली भी कम से कम 6,000 रुपये अ मंथ अर्न करती है. थ्रेशोल्ड कितना है, 12,000 है, तो जिनको 6,000 मिल रहा है हम लोग चलो 6,000 और पे कर देंगे, समथिंग लाइक दैट. टू कॉस्ट 3.6 लाख करोड़, अगर हम पूरे देश में इस चीज़ को कंटिन्यू करें, इस मिशन को कंटिन्यू करें, तो इसका जो खर्चा आएगा दैट इज 3.6 लाख करोड़. अभी लास्ट में किंगफिशर एयरलाइंस को कितने पैसे मिले, 1500 करोड़, ठीक है, इसमें कितना लगेगा, 3.6 लाख करोड़ लगेगा, राइट. वॉट इज NYAY, नेम का फुल फॉर्म क्या है, NYAY मतलब न्यूनतम सबसे कम आमदनी योजना. न्यूनतम आमदनी योजना जिसके तहत हम आपको कितने पैसे देंगे, 12,000 रुपये अ मंथ, राइट. सो मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम, तो अ काइंड ऑफ गरीबी हटाओ स्कीम, गरीबी हटेगा, इज गोइंग टू बी द मेन हाईलाइट ऑफ कांग्रेस लोकसभा इलेक्शन कैंपेन. It is a minimum income guarantee scheme assuring rupees 72,000 a year. 75,000 नहीं, 72,000 a year दिया जाएगा और money जो है वो directly account में transfer होगा. Any family earning less than 12,000 a month will receive 6,000 every month in their bank account. अच्छा, माने कि वो डिफरेंस पे करने का जो इनका मतलब है वो क्या है, कि अगर आप 12,000 से कम कुछ भी आपकी आमदनी है तो हम आपके अकाउंट में सीधे हर महीने 6,000 रुपए देंगे. यस, सो दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. चलिए नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा कि क्या होता है. द नेक्स्ट इज योर Chandrayaan-2. ओके, फाइन. तो नेक्स्ट में आते हैं, Chandrayaan-2 विल कैरी नासास लेजर इंस्ट्रूमेंट्स. अब दो चीज़ें हमें यहाँ से पता चलता है आज, एक आपका इसरो वाला न्यूज़, ठीक है, इसरो वाला न्यूज़ क्या है, PSLV-C45 MESAT, ये एक याद रखना है, जिसमें 28 बाहर के सैटेलाइट्स प्लस इंडिया का स्पाई दैट इज MESAT. इन 28 में से 24 क्या है, 24 यूएस का सेटेलाइट है. दिस इज द फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग स्पेस. दूसरा क्या है, दूसरा इज योर नासा. चंद्रयान 2 विल कैरी नासास लेजर इंस्ट्रूमेंट्स, नासा का जो लेजर इंस्ट्रूमेंट है, इंडियाज लूनर मिशन चंद्रयान 2 जो शेड्यूल टू बी कैरीड नेक्स्ट मंथ विल कैरी नासास लेजर इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प साइंटिस्ट टू मेक प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस टू द मून. अब एग्जैक्ट प्रिसाइज डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, हम लेजर इंस्ट्रूमेंट को इस बार अपने साथ ही कैरी करेंगे, ठीक है. तो नासा का चंद्रयान 2. तीसरा क्या है, तीसरा अगेन नासा का एक और फर्स्ट फीमेल मिशन जो कि था, जिसमें सिर्फ दो महिलाएं स्पेस जाने वाली थी, उसमें से एक महिला ने कहा कि मीडियम साइज सूट चाहिए, राइट. सो बट ड्यू टू लैक ऑफ कि हम इस डेट से पहले ये सूट नहीं बना पाएंगे, सो दिस हैज़ नाउ बीन कैंसल. तो अभी ये न्यूज़ नहीं रहेगा एज सच, क्योंकि शी हैड टू
स्टेप आउट क्योंकि वो मीडियम साइज स्पेस सूट नहीं था. सो समबडी मेल हैज टू गो इन हर प्लेस. सो व्हाट इज दिस न्यूज? चंद्रयान टू इज टोटली इंडिजीनियस वेंचर, पूरी तरीके से मेड इन इंडिया, पूरी तरीके से भारत का है, राइट? कंपैरिजन टू एनी अदर, राइट? इंडियाज मोस्ट चैलेंजिंग एंड इंडियाज सेकेंड मिशन टू द मून, क्योंकि चंद्रयान टू है, विल बी लॉन्च्ड ऑन बोर्ड ऑफ जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV. PSLV, GSLV. GSLV का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस, अर्थ, जियो यानी कि अर्थ, ठीक है? जियो, व्हेन यू से दैट जियो, दैट मीन्स अर्थ, जियोलॉजी, जियोग्राफी, राइट? जियो सिंक्रोनस, अर्थ के सिंक्रोनस, राइट? सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3. इट विल बी इसरोस फर्स्ट इंटर प्लेनेटरी मिशन टू लैंड रोवर ऑन एनी सेलेस्टियल बॉडी. द सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ द ल्यूनर सरफेस ऑफ द मून विल बी मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द चंद्रयान टू मिशन. मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी सॉफ्ट लैंडिंग करना पड़ेगा, और इससे पहले सिर्फ US, रशिया और चाइना ही हैं जो कि सॉफ्ट लैंड स्पेसक्राफ्ट को या फिर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं, राइट? कि उसमें गड्ढा ना खोद जाए, हम उसमें आराम से लैंड कर पाए. द नेक्स्ट वन इज रहमान क्रिएट्स इंडियाज एंथम फॉर एवेंजर्स, राइट? अभी रिसेंटली न्यूज में एक और न्यूज भी आया था कि AR रहमान ने अपनी बेटी को जो है वो बुरखे में रखा, बट शी केम अप विथ अनदर थिंग दैट नहीं, ऐसा नहीं है, दैट इज माई पर्सनल चॉइस दैट शी डिसाइडेड टू. जो भी है, म्यूजिक मिस्ट्रो AR रहमान हैज टीम्ड विथ मार्वल इंडिया, पता ही होगा कौन है, टू क्रिएट एन ऑल न्यू एंथम फॉर एवेंजर्स. और ये किस में होगा? ये हिंदी में होगा, तमिल में होगा, तेलुगु में होगा, इन हिंदी, तमिल एंड तेलुगु. द ट्रैक विल बी रिलीज्ड ऑन 1st April, सो जस्ट वेट फॉर इट. इज अ ट्रीट फॉर द इंडियन फैंस ऑफ द एवेंजर फ्रेंचाइजी, राइट? तो AR रहमान विल बी लीडिंग दिस टीम एंड ही विल बी क्रिएटिंग द म्यूजिक फॉर एवेंजर्स, हिंदी में, तमिल में एंड तेलुगु में. तो 1 April को रिलीज हो जाएगा, तो डेफिनेटली इट विल बी इन यूट्यूब ट्रेंडिंग वन, राइट? तो तब आप इसको देख सकते हो. द नेक्स्ट वन हियर इज अबाउट कतार्स $34 million डेजर्ट रोज म्यूजियम, राइट? सो व्हाट इज अ डेजर्ट रोज म्यूजियम? डेजर्ट रोज म्यूजियम ब्लूम्स आफ्टर अ डिकेड्स वर्क, एक डिकेड के काम के बाद जो है ये म्यूजियम पूरी तरीके से बन पाया है. एज द कंट्री इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड फॉर 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो अगर आपसे कोई पूछे 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, आपका आंसर क्या है? ये आपका कतार में होगा, राइट? द नेशनल म्यूजियम मे बी द सिंगल मोस्ट आई कैचिंग डिजाइन फॉर ऑल इट्स न्यू बिल्डिंग्स. अब यहाँ पे क्या है, एक डिकेड का काम हुआ है, पैसा कितना लगा है? 434 million लगा है, राइट? और ये उसका नेशनल म्यूजियम है, ये कतार का नेशनल म्यूजियम है. डेजर्ट रोज कितना, कब कब ओपन करेगा? अब ये 1 week के बाद दिस विल ओपन, राइट? एंड देयर विल बी अ सेरेमनी एक्सेट्रा, राइट? सो एंड दिस ओपनिंग विल हैपन. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये है आपका डेजर्ट रोज, राइट? ओके, सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. डेजर्ट रोज म्यूजियम, this is in your page number 18. The building which is being constructed in place of original Qatar National Museum, to uske jagah pe banaya hai after a decade, so now this is the National Museum. Isko design kisne kiya is very important. Was designed by architect Jean Novel, the design is inspired by the Desert Rose. Ye Desert Rose se inspired hai, aur iska location kahan pe hai? Doha, Qatar mein hai. The entrance includes 114 fountain sculptures. 114 fountain, ek fountain hota hai na normally. Here are 114 fountain sculptures and a 900 meter long lagoon. Normally you will see that lagoons are naturally in some locations, but here you will see a 900 meter long lagoon as well, right? The National Museum of Qatar also stands on the site of the former palace of Sheikh Abdullah bin Jassim Al Thani, son of the founder of modern Qatar. Jahan pe
मॉडर्न कतार के फाउंडर के सन जो है उन्हीं के पैलेस में ये म्यूजियम बना है, राइट। अच्छा, इसी चीज़ से एक और चीज़ याद आया कि टीपू सुल्तान के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, टीपू सुल्तान के बारे में। अब टीपू सुल्तान का जो स्वॉर्ड और कुछ ऐसे ही सामान जो उन्होंने सेरिंगपट्टनम लड़ाई में ही हैड टू गिव इट टू दी इंग्लिश ब्रिटिशर्स को दिया था, वो एक ब्रिटिश महल के नीचे बेसमेंट में मिला है, वो वहाँ पे बेसमेंट में मिला है। एंड दे आर गोइंग अहेड विद द ऑक्शनिंग ऑफ द सेम, वो उसको क्या कर रहे हैं, ऑक्शन कर रहे हैं, यानी कि वो उसको क्या कर रहे हैं, नीलामी कर रहे हैं। सो सम ऑफ द एक्टिविस्ट एंड सम हिस्टोरियंस दे आर अपोजिंग कि ऐसा कैसे कर रहे हैं आप, दिस इज आवर यू नो नेशनल हेरिटेज भी है, ये हमारा कल्चर से भी रिलेटेड है, तो प्लीज़ यू कांट डू दिस, बट स्टिल द कंपनी इज गोइंग अहेड विद द ऑक्शन। तो आई होप आपने इसके बारे में भी सुना होगा। अब हम आते हैं 27 मार्च के हेडलाइंस पे। नंबर वन इज प्रेसिडेंट कोविंद ऑनर्ड विद द क्रोशियाज हाइएस्ट अवार्ड। प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद है, एंड ही हैज बीन अवार्डेड द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ किंग टोमिसेल्फ विथ शेष एंड ग्रैंड स्टार बाय द रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया। तो उनको क्या मिला है, ग्रैंड स्टार जो होता है, ग्रैंड स्टार वहाँ का सबसे हाइएस्ट, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, उसी तरीके से वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो हाईएस्ट अवार्ड है वो ग्रैंड स्टार है, और किसे मिला है, हमारे देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को मिला है। दिस इज़ द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया एंड मिस्टर कोविंद रीच क्रोशियाज कैपिटल। कैपिटल तो बिल्कुल पूछा जाएगा अब एग्जाम में, नाम क्या है, जेग्रेब, जेग्रेब इज द कैपिटल, और वहाँ पे वो लास्ट इवनिंग को पहुँचे हैं, राइट, ऑन द फर्स्ट लेग ऑफ द थ्री नेशन टूर। सबसे पहले वो क्रोशिया जाएंगे, उसके बाद वो बोलीविया जाएंगे, उसके बाद वो चिले जाएंगे। तो आपको क्रोशिया का कैपिटल तो पता चल गया, तो आपको कमेंट करके क्या बताना है, बोलीविया एंड चिले का कैपिटल आपको आज के इस करंट अफेयर्स के कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जयिता सरकार एंड सूरज नारायण बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जेग्रेब उन्होंने साथ साथ लिख दिया है, बचपन में जब हम पढ़ते थे साथ साथ बोलते थे, तो इफ़ यू विल राइट इट डाउन अलॉन्ग यू विल रिमेंबर इट बेटर, ज़्यादा याद रहेगा। द नेक्स्ट इज RBI स्लैप्स ₹2 करोड़ पेनल्टी ऑन PNB। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, पेनल्टी लगाया है, कितने का पेनल्टी लगाया है, 2 करोड़ का पेनल्टी लगाया है, किस पे लगाया है, पंजाब नेशनल बैंक में। क्यों लगाया है, नॉन कंप्लायंस ऑफ रेगुलेटरी डायरेक्शंस विथ रिगार्ड टू स्विफ्ट ऑपरेशन। नाउ स्विफ्ट ऑपरेशन, आप चीज़ों का एनालिसिस करके स्वॉट करते हो, उसी तरीके से आई विल टेल यू व्हाट इज द स्विफ्ट ऑपरेशन। स्विफ्ट इज अ ग्लोबल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स बाय फाइनेंशियल एंटिटीज। तो इससे क्या करते हो, आप दो बैंकों के बीच जो भी चीज़ें हैं उनको शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, देर इज़ वन पर्सन हु हैज़ टेकन दी लोन फ्रॉम वन बैंक, देन ही डिड नॉट पे बैक दी अमाउंट एंड ही अगेन वेंट टू दी अनादर बैंक एंड ही गेट्स दी लोन फ्रॉम अनादर बैंक एज वेल। सो लाइक दिस वॉट विल हैपन, स्लोली ही विल बी डूइंग NPA विथ ऑल दी बैंक। तो ये तो हम नहीं चाहते कि हर एक बैंक को अलग अलग से जाके उल्लू बनाए, तो द बैंक हैज़ अ मैकेनिज्म टू शेयर द इन्फॉर्मेशन। बैंक को पता चल, जैसे सिविल स्कोर होता है आपका, बैंक को पता चल जाता है कि आपने कहाँ कहाँ से लोन लिया हुआ है। उसी तरीके से स्विफ्ट क्या है, स्विफ्ट इज़ अ ग्लोबल मेंबर ओन कोऑपरेटिव जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्विफ्ट का हेडक्वार्टर है ब्रूसल्स में, बेल्जियम में है। इट वॉज फाउंड इन 1973 एंड स्विफ्ट इज़ अ सिक्योर फिनेंशियल मैसेज कैरियर एंड इट ट्रांसपोर्ट मैसेज फ्रॉम वन बैंक टू द इंटेंडेंट बैंक रिसिपियंट। तो दो बैंकों के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, दे कैन शेयर द इंफॉर्मेशन। यस, इंफॉर्मेशन इज अगेन द न्यू की, राइट। तो उसी लिए फाइन, किस पे लगाया है, अच्छा
परिनीता यहाँ पे लिख रही है कि लाइक करो गाइस, तो सेशन को जितने लोग देख रहे हैं प्लीज इसको सेशन को लाइक भी कर दीजिए, बिकॉज सी आई केम इन प्लेस ऑफ कुश सर, सो दैट विल सिंपली मेक मी हैप्पी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दी WEF रैंक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इंडिया को कितना रैंक दिया है? 76th रैंक दिया है। सो इंडिया रैंक 76th ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अब ये क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट याद रखिए कि बिकॉज फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस यू हैव टू रिमेंबर इट कि इंडिया हैज़ मूव्ड अप टू प्लेसेस। हम लोग का बेटरमेंट हुआ है दो प्लेसेस से। हमारा रैंक अभी कितना हो गया? वी आर एट 76th ऑन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। दिस एनुअल लिस्ट कंपाइल्ड बाय, कौन इसको कंपाइल करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड इन वन ऑफ माई क्लासेस आई टोल्ड यू वेन एवर देर इज W फिल इन द ब्लैंक्स फोरम, यू हैव टू वेरी नाइसली लुक दैट दिस इज कंपाइल्ड बाई जेनेवा बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड यहाँ पे टोटल दे रैंक 115 इकोनॉमीज, राइट। इंडिया इज ऑल्सो द सेकेंड बेस्ट इन द ब्रिक्स ब्लॉक, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इस ब्रिक्स ब्लॉक में इंडिया इज सेकेंड नंबर पे, राइट, बिकॉज ब्राजील इज द बेस्ट इन दिस एंटायर ब्रिक्स ब्लॉक, बिकॉज ब्राजील इज इन 46th रैंक प्लेस, राइट। इंडिया इज ओनली अमॉन्ग द फाइव इकोनॉमीज टू इम्प्रूव इट्स रैंक सिंस लास्ट ईयर। हमारा रैंक तो +2 हो गया है एंड वी आर ओनली अमॉन्ग द फाइव इकोनॉमीज, ओनली फाइव इकोनॉमीज हैज इम्प्रूव देयर रैंक। स्वीडन रिमेन्स ऑन टॉप एज यूजुअल इन दिस लिस्ट एंड इज फॉलोड बाय स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे। तो टॉप थ्री मोस्ट ऑफ द टाइम स्वीडन, स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे, राइट। सो हियर ऑल्सो सेम थिंग। Another major economy, the UK is ranked at 7, Singapore 13th, Germany 17th, Japan 18th and US at 27th. So what is India's rank in WEF? Global Energy Transition, it is your 76th rank, right? So with this, we come to an end of today's session. I hope aapne is session ko enjoy kiya ho. If yes, then please hit the like button before you leave the session, right? And do hi question hai. दो ही कैपिटल्स मैंने आपको मेंशन करने को बोला है, तो वो दोनों कैपिटल्स का आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू अगेन प्रोबेबली टुमारो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।